मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। एज यू कैन सी दैट देखिए बारिश हो रही है, सामने सब कुछ बंद हो चुका है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस आज जो है ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ MP दतिया। दतिया एक जो कि वहाँ पर माँ पीताम्बरा का मंदिर है जो कि बहुत ही प्यारा मंदिर है। और गाइस वहाँ आप दर्शन करेंगे तो आपको एक अलग सा अनुभव होगा। जो भी उस दरबार जाता है वो वहीं का होके रह जाता है, वो खो जाता है उस दरबार में, इतना अच्छा दरबार है। तो अभी मैं और मेरे फ्रेंड जो कि कुछ टाइम बाद वहाँ आने वाले हैं, मैं घर से निकलने वाला हूँ और मैं वेट करूँगा। वो वहाँ जैसे ही आ जाएंगे मुझे वो कॉल करेंगे तो मैं जस्ट उनके साथ निकल जाऊँगा। रास्ते का जो भी ट्रैवल होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हेलो ब्रदर, कैसे हैं? बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। एज यू कैन सी डैट देखिए बारिश हो रही है, सामने सब कुछ बंद हो चुका है। सो अभी हम लोग ढाबे की तरफ जाएंगे क्योंकि यहाँ बारिश में गाड़ी ड्राइव करना सेफ नहीं है। काफ़ी तेज आंधी के साथ साथ बारिश अभी हुई है जस्ट। अभी हम लोग जो रुके हैं आके ढाबे में, और गाइज अभी थोड़ी देर पहले मौसम इतना ज़बरदस्त ख़राब हो गया था कि मुझे ये लग रहा था कि इतनी लंबी ट्रैवल ऐसे मौसम के साथ कैसे पॉसिबल होगी। बट डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, थैंक यू गॉड कि मौसम बहुत सही हो गया और अभी बारिश भी रुक गई है। सो अभी हम लोग एक ढाबे में रुके हुए हैं और वहाँ पर हम लोग चाय वगैरह पीते हैं, फिर उसके बाद आगे की ट्रैवलिंग करेंगे। एज़ यू कैन नो कि मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ तो हर एक घंटे में 10-15 मिनट का एक जो है स्टॉप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और गाइस मैं आप लोग से भी यही बोलूँगा कि अगर आप भी ट्रैवल करते हैं या कहीं घूमने जाते हैं या लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो प्लीज़ ऐसा ही करा करिए। तो अभी हम लोग चलते हैं फिर से अपना आगे के लिए। गाइस जैसा कि मैं आज बता दूं, मैं अभी दतिया आ गया हूं और यहां पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि यहां आज माँ पीताम्बरा माई की एक रथ यात्रा निकली है। आज उनका जन्मोत्सव मनाया गया है जिसके कारण यहां पर
बहुत ज़्यादा भीड़ है और जिस कारण मेरी जो कार की पार्किंग है वो बहुत पहले हो गई और यहाँ से वॉकिंग करके मंदिर की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ आपको बता दें कि उनकी आज जो रथ यात्रा निकाली गई है उसमें माँ पीताम्बरा जी को खुद उसमें बैठाल कर उनकी पूरी एक शहर में यात्रा निकली है, शोभा यात्रा निकली है, जिससे एक सुपर एक्साइटेड फीलिंग आ गई आज मुझे जैसे मुझे ये चीज़ पता चली। लिटरली गाइस मैं बता दूँ, मैं तो एज ए रूटीन मैं यहाँ पर आता रहता हूँ और बट मुझे ये यहाँ पर आके पता चला तो आई एम सो ब्लेस्ड कि ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और आज उनके दर्शन ऐसे मुझे मिलेंगे बहुत ही अच्छे है। आज माँ पीताम्बरा जी की जो जयंती है उसमें एक बहुत ही स्पेशल डे है। आज जो है यहाँ पर आपको पता चला है कि आज माँ पीताम्बरा माई की जो जयंती है सो उसमें आप फर्स्ट यानी कि प्रथम उनकी जयंती है तो उसमें आप यहाँ पर आए हैं तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, फुल ऑफ एनर्जी है, हर तरफ एक्साइटमेंट है, हर तरफ इट्स रिलीजन इट्स स्पिरिचुअलिटी की फील आ रही है। सो गाइस देख रहे हैं जय माई की, जय माई की। गाइस है क्या ना कि यहाँ काफ़ी टाइम से चल रहे हैं तो थोड़ी थकान हो गई है बट उनकी प्रथम जयंती है उस कारण यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो गई है। अभी हम लोग मंदिर के बाहर जा रहे हैं, वहाँ पर हम लोग जहाँ हम लोगों ने अपने स्लीपर्स वगैरह या शूज़ वगैरह कुछ रखा था वहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं। फाइनली मंदिर से बाहर आ चुके हैं, तो अभी हम मंदिर के बाहर आ चुके हैं और गाइस फाइनली हमारे माँ पीताम्बरा माता के दर्शन हो चुके हैं और अभी हम जस्ट बाहर निकल चुके हैं मंदिर के बाहर और मैं अब घर के लिए निकल रहा हूँ। सो फाइनली ये मेरा जो दतिया का जो ट्रैवल ब्लॉग था माँ पीताम्बरा माई का वो कंप्लीट हो चुका है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।